Hello everyone, my name is Mayank Pahwa. Today we are going to discuss time and distance part 2. तो आज हम लोग जानेंगे time and distance के बारे में, part 2 हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहला मेरा request है उन students से जिन्होंने part 1 नहीं देखा है, तो बच्चे मैं आपको नीचे description box में link दे दूंगा, आप सबसे पहले जाके part 1 देखिए इस chapter का, क्योंकि हमने part 1 के अंदर कुछ concepts को discuss किया था, उसी के बेसिस पे हम लोग ये पार्ट टू करेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग लेके चलेंगे फर्दर अप ऑन. तो ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और आपका प्रॉपर जो लिंकेज है कॉन्सेप्ट्स का वो बिल्कुल बना रहे, तो इसके लिए सबसे पहले बेटा आप पार्ट वन देखिए, ठीक है. आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, नहीं तो ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा, आप वहां पे जाके क्लिक कर सकते हैं इसको. तो बच्चे हमने पार्ट वन में कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और जिसमें हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम इन सभी के रिलेशंस के बारे में जाना था इन टर्म्स ऑफ रेशियो, कि इनमें से किसका डायरेक्ट रिलेशन है और किसका इनवर्स है. उसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो आपके एग्जाम में आए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, और हमने समझा था कि ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, इसे कैसे अप्लाई करना है. हमने कोई शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया था, हमने ये समझा था कि जो फॉर्मूला जो बुक्स में लिखा होता है एज अ शॉर्टकट की फॉर्म में, उसका बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि वो फॉर्मूला एक्चुअली में बना कैसे. तो अगर मैं यही समझ जाऊं कि फॉर्मूला बना कैसे है, तो मेरे लिए काम अपने आप ही आसान हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा. इसी चीज को करते हुए हम लोगों ने पूरा का पूरा जो है उस टॉपिक को किया था पार्ट वन में. इसी को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. आज भी हम लोग, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हम बुक्स में इसी चीज को लेकर शॉर्टकट दिया होता है, जिसको आप शॉर्टकट फॉर्मूला भी कहते हैं, कि भाई ये क्वेश्चन आया, ये शॉर्टकट फॉर्मूला लग गया. लेकिन होता क्या बच्चे, अगर मैं उसी क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले को हल्का सा उसी क्वेश्चन को हल्का सा ट्विस्ट कर दो ना, तो आप वो शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो पॉइंट ये है, अगर आप ये समझ जाओ कि वो जो फॉर्मूला है शॉर्टकट वो बना कैसे है, तो फिर आपके लिए काम अपने आप आसान हो जाएगा. यानी आपने समझ लिया कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, उसकी एप्लीकेशन क्या है. सो वंस आपका एक बार एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो गया, सो वंस योर एप्लीकेशन पार्ट इज स्ट्रांग, देन डेफिनेटली थिंग्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू रॉक इन दिस, राइट. पॉइंट इज, सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करो. और जैसा कि आप जानते हो कि ये सारे की सारी जो सीरीज है हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज है. मैं आपको फर्दर मूव ऑन करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर देता हूं. जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए या आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए, उन सबके लिए फ्री क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आप अभी आप वीडियो देख रहे हैं. इसमें हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं, आप डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं. हम लोगों ने इस बेसिस पर प्लान किया है. सबसे पहले हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस लेके आएंगे हर टॉपिक की, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे आपका रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, सबकी पहले कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस आएंगी. तो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस में क्या होता है कि जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं पहले आप वो समझिए. हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल और बहुत ही लेमन टर्म्स में समझा रखा है, ताकि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स काफी वीक है वो भी उसको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. ये हमने सोच के समझाया, हर चीज हमने स्क्रैच से बताई है. जिन बच्चों ने वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा इसके बारे में अच्छे से. तो बच्चे पहले आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस आ रही है, इसके तुरंत बाद आपकी सारी क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस आएंगी. क्वेश्चन सीरीज को हम डिफरेंट वीडियोस में निकालेंगे, जैसे हमने रेलवेज आरआरबी के लिए अलग क्वेश्चन सीरीज आएगा जिसमें सारे के सारे हम लोग क्वेश्चंस ट्राई करेंगे. लेकिन बच्चे क्वेश्चंस को आप तभी अच्छे से ट्राई कर पाएंगे जब आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. जैसे अभी हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं, तो पहले आप टाइम एंड डिस्टेंस के सारे कॉन्सेप्ट को समझो, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद सारी क्वेश्चन सीरीज ट्राई करो. क्लियर है बच्चों? तो उसमें क्या है, डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा. पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखा, उसके बेसिस पर सारे क्वेश्चंस ट्राई किए, फिर देखना चीजें आपके लिए कितनी आसान बन जाएंगी और डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे. तो ये हमारा अप्रोच है बेसिकली. क्वेश्चन सीरीज हमारी बहुत जल्दी आ जाएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आ जाएंगी,
लेकिन फिलहाल हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड सीरीज चल रही है, उन मैं आप मेरा आपसे रिक्वेस्ट है पहले इन सारी सीरीज को अच्छे से देखिए, ठीक है? तो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। और इस समय हमारी आरआरबी और आईबीपीएस की चल रही है, और दिवाली के तो जस्ट बिल्कुल नेक्स्ट में हम दिवाली के जस्ट के बाद हम लोग एसएससी जेई और स्टेनोग्राफर की भी लेके आ रहे हैं, सेम सीरीज है। और ये जो सीरीज है, क्योंकि इनका मार्च इनका जो एग्जाम है ऑलरेडी मार्च अब 2021 के अंदर है, ठीक है? तो इसकी भी हम लोग लेके आएंगे प्रॉपर वीडियोस, लेकिन वो दिवाली के जस्ट बाद आएंगे, इसकी डेट्स आपको अनाउंस हो जाएंगी बहुत जल्दी। लेकिन फिलहाल हमारी रेलवेज और आईबीपीएस की चल रही है, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज इन वीडियोस को जरूर देखिए। अच्छा, अब बच्चों पॉइंट ये है, और हाँ ये जो सीरीज है जिसमें खाली इसमें खाली रेलवे आईबीपीएस नहीं, आप एसएससी वाले हो बाकी सब वो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड जो सीरीज आ रही है हमारी वो तो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है। क्यों? क्योंकि यार अगर मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ तो टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट चाहे मैं रेलवे का एग्जाम दू तब भी वही रहेगा, एसएससी के एग्जाम में भी कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि स्पीड का मतलब अगर यहाँ पे कुछ है वहां पे कुछ और हो जाएगा, बात तो वही रहेगी ना हमेशा। तो जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड जो वीडियोस हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, वो तो हर बच्चे को देखनी है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो चाहे आरआरबी का दो। यानी जो ये वीडियो तो अभी आप देख रहे हो टाइम एंड डिस्टेंस की, ये जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोज है, ये तो सभी बच्चों को देखनी है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम देने वाले हो तो आप अभी देखो इस वीडियो को। बस इसकी इन इन वीडियोस देखने के बाद जो आपकी क्वेश्चन सीरीज आएंगी दिवाली के तुरंत बाद वो आप सारी देखेंगे, तो इससे आपकी मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। यही अप्रोच होती है आपकी तैयारी करने की, राइट? तो अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। तो हमने पार्ट वन में देखा था जिसमें हमने रेशियोज की बात की थी, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस इनका रेशियो समझा था अच्छे से। आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर अपॉन मूव ऑन करेंगे, हम लोग नई चीज पर चलेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, और इसी के बेसिस पे आगे आप ट्रेन्स वाला टॉपिक आएगा और भी सारी जितने भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे इसके बेसिस पे आप बहुत ही इजिली कर पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो बच्चों, इसमें एक वर्ड लिखा है रिलेटिव। मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट नंबर वन ऑब्जेक्ट नंबर टू। जब मैं पहले का कंपैरिजन करता हूं दूसरे के मुकाबले, यानी इफ आई कंपेयर फर्स्ट विद द सेकेंड, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव, राइट? मीन्स मैं फर्स्ट को कंपेयर कर रहा हूं सेकेंड से, या फिर मैं सेकेंड को कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट से। तो ये क्या हो गया, रिलेशन में हो गया, रिलेटिव में हो गया। आई एम रिलेटिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स, फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड और सेकेंड इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट। बट क्योंकि मुझे यहां पे रिलेट करना है किस टर्म में, स्पीड पे, जिसको मैं कहूंगा रिलेटिव स्पीड, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड एज कंपेयर टू सेकेंड ऑब्जेक्ट, या फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट की स्पीड एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। अब इसका मतलब क्या है, समझो इस बात को। ये तो मैंने आपको बहुत ही लेमेन भाषा में बताया कि आप इसको ऐसे कैसे लेमेन टर्म्स में समझेंगे। अब देखो इसको टाइम एंड डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव में समझना कैसे। देखो मान लो बच्चों आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज करो दो ट्रेन्स हैं, ये है ट्रेन नंबर वन और ये है आपकी ट्रेन नंबर टू। ट्रेन नंबर वन, ये दो ट्रैक्स हैं, राइट? दोनों ट्रैक्स पे ट्रेन आ रही है, इस ट्रैक पे भी ट्रेन आ रही है, इस ट्रैक पे भी ट्रेन आ रही है। ये ट्रैक नंबर ए है और ये ट्रैक नंबर, सॉरी वन सेकेंड, ये ठीक है, मैं एक सेकंड मुझे देना, ठीक है मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट मेक इट आउट।
जस्ट वन सेकेंड। हाँ नाउ इट्स क्लियर। सॉरी फॉर दिस डिले अन एडवेंट। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब इसमें हम शुरू करते हैं फटाफट से। तो बच्चों मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिया यहाँ पे। मान लो बेटा ये ट्रेन है दो, ट्रेन नंबर वन ट्रेन नंबर टू। बच्चे ये ट्रेन नंबर मान लो बेटा, और ये दो ट्रैक्स हैं, ट्रैक नंबर ए ट्रैक नंबर बी। दोनों ट्रैक्स पे ट्रेन आ रही है, एक इधर चल रही है एक इधर चल रही है। मान लो बेटे ट्रेन वन की जो स्पीड है सपोज करो वो है 40 किलोमीटर पर आवर की। ट्रेन टू की जो स्पीड है बच्चे वो है मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है बच्चे, तो ट्रेन वन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन टू की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये केस वन था जब ये दोनों की दोनों चल रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर, यानी इस साइड दोनों। दूसरा केस लेता हूं बेटा, यही दोनों ट्रेन्स हैं, ये ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। ये ट्रेन वन है ये ट्रेन टू है। ट्रेन वन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन टू की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। आप समझो रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले की स्पीड दूसरे कंपैरिजन में। अब देखो बच्चों मैं पहले आपको डिस्कस करता हूं केस नंबर टू। अब मान लो आप ये फर्स्ट ट्रेन में बैठे हो, आपने देखा खिड़की से ट्रेन की कि एक दूसरी ट्रेन आ रही है, उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो आप खिड़की में बैठे हो, आप नोटिस करना जैसे ये ट्रेन यहां पे आ जाएगी नियर बाय, राइट, ये एकदम बहुत ही स्पीडली आपके सामने निकलेगी, बहुत तेजी से। ठीक है, इट्स गोइंग टू यू नो वेरी वेरी फास्ट आपके सामने ये मूव ऑन हो जाएगी। आपको लगेगा यार ये कैसे हो गया, तो आपको ये ऐसा अज्यूम होगा कि हाँ इसकी स्पीड तो बहुत तेज है। वो इसलिए बेटा अज्यूम होता है ऐसा क्योंकि, और ये रियलिटी में नहीं होता, ये हमें वर्चुअली होता है। कैसे, देखो होता ये है, देखो इसकी स्पीड एक्चुअली में 30 है ना, लेकिन होगा ये क्योंकि ये वाली ट्रेन भी 40 से चल रही है और ये 30 से आ रही है, तो ये भी तो ऑलरेडी मूव हो ही रही थी। क्योंकि ये 30 से आ रही थी तो ऐसा लगेगा कि दोनों की स्पीड्स ऐड को, ये देखो अब मैं अगर दोनों की स्पीड्स ऐड कर दूंगा तो कितनी होगी, 70 होगी, क्योंकि ये खुद भी 40 से चल रही थी और ये 30 से आ रही थी। तो इट एज्यूम्स लाइक दैट, ऐसा लगता है कि जब अगर मैं यहां पे बैठा हूं इस ट्रेन नंबर वन में तो ऐसा लगेगा कि जो ट्रेन नंबर टू है वो बेसिकली 70 की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में तो खाली 30 से मूव कर रही थी ना, बिकॉज वो हमारे सामने इतनी तेजी से निकली हमें लगा कि ये बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, जबकि उसकी स्पीड हमसे ही बहुत कम थी। तो इन रियलिटी ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें ऐसा लगता है। इसलिए बोलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो उनकी स्पीड्स अगर मैं फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड लूं या सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट लूं, मान लो आप ट्रेन नंबर वन की जगह ट्रेन नंबर टू में बैठे होते तब भी आपको लगता कि जो सामने वाली ट्रेन है ट्रेन नंबर वन वो 70 की स्पीड से चल रही है। या अगर आप इस ट्रेन नंबर वन में बैठे हो ट्रेन नंबर टू को देख रहे हो तब भी आपको लगेगा कि वो ट्रेन नंबर टू 70 की स्पीड से चल रही है, जबकि रियलिटी में ऐसा था नहीं, वो तो चल रही है 30 की स्पीड से, ये चल रही है 40 की स्पीड से। ठीक है, तो ये जस्ट मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट यू नो एक तरह का इल्यूजन है। तो हम ये समझेंगे, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट्स की हम स्पीड्स को रिलेट करते हैं तब जब वो दोनों आती हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड्स सम अप कर देती हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है सबको, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो हमने उनकी स्पीड को क्या कर दिया, सम अप कर दिया। ठीक है, तो यानी पॉइंट ये बना कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड S1 एंड S2,
देन देयर रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय व्हाट, s1 प्लस s2। तो यानी अपोजिट दिशा में जब आएंगे तो उनकी स्पीड्स क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी रिलेटिवली। लेकिन अब जब ये लोग चलेंगे सेम डायरेक्शन में, मान लो ये ट्रेन यहां पे, इस ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इस ट्रेन की स्पीड है बेटा 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, अब ये है ट्रेन नंबर वन, ये है ट्रेन नंबर टू। अब मान लो अगर आप ट्रेन नंबर वन में बैठे हो, या मान लो अगर आप ट्रेन नंबर टू में बैठे हो, अब आपको लगेगा, देखो ये तो पक्की बात है क्योंकि आप ट्रेन नंबर टू में बैठे हो और आपकी ट्रेन की स्पीड कम है, 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये तो पक्की बात है क्योंकि आप दोनों चल रहे हो सेम ट्रैक पे, सॉरी सेम पैरेलल ट्रैक्स पे चल रहे हैं, तो ये तो पक्की बात है कि ये ट्रेन कभी ना कभी तो आपको क्रॉस करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है आपसे, स्पीड ज्यादा है तो ये ट्रेन आपको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन अब जब जब आपको क्रॉस कर रही होगी तो आपको ये आपको लगेगा, क्योंकि आप भी तो मूव कर रहे हो 30 की स्पीड से और ये चल रही है 40 की स्पीड से, आपको लगेगा या आपको ऐसा ऐसा महसूस होगा कि इसकी स्पीड बहुत धीरे है, ये बहुत धीरे मूव कर रही है, जबकि एक्चुअली में इसकी स्पीड आपके आपसे काफी ज्यादा थी। इसकी 30, आपकी 30 है तो इसकी 40 है ना, तो इसकी स्पीड तो आपकी आपसे ज्यादा ही है। लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, इसकी जो स्पीड है ये काफी धीरे है, धीरे इन सेंस मतलब ये 30 है तो इसकी जो स्पीड है हमारे से बहुत ही कम। मान लीजिए क्योंकि इस पे क्या होता है, स्पीड्स का डिफरेंस आता है, तो 40 माइनस 30 क्या हो गया, 10 हो गया। तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसकी जो स्पीड है ये 10 किलोमीटर के आसपास की है, जो बहुत धीरे 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 मूव कर रही है हमारे साथ साथ, बट क्योंकि हमारे से आगे निकल रही है, क्योंकि ये बहुत ही, लेकिन इसकी स्पीड इतनी धीरे है उसके बेसिस पे आगे निकल रही है। क्यों निकल रही है? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना रियलिटी में, हमें लगता है, बट इन रियलिटी इट्स नॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 40 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, रियलिटी में उसकी स्पीड तो 40 थी ना, बट क्योंकि मैं खुद भी 30 से मूव कर रहा था और वो 40 से मूव कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव, यानी अगर मैं इसका कंपैरिजन इससे कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद 30 से चल रहा हूं, तो 30 अगर मैं इसका ले लूं तो 30 30 कैंसिल, कितना एक्स्ट्रा बचा, 10। तो ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मुझसे जस्ट जरा सा ही धीरे धीरे आगे मूव कर रही है, क्योंकि मैं भी मूव कर रहा हूं, ये भी मूव कर रही है, लेकिन ये मुझसे बहुत धीरे धीरे आगे मूव निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ, इसकी निकलने की स्पीड बहुत धीरे है, कितनी है, 10 के आसपास, जबकि ऐसा है नहीं, स्पीड उसकी 40 थी। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिवली अगर हम उनकी रिलेटिव स्पीड निकालते हैं तो आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो हमने दो केस देखे, पहला जब आप चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो स्पीड्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, लेकिन जब आप चलते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में बच्चों तो स्पीड्स क्या होती है, ऐड होती है। यही है कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का, दिस इज द पॉइंट। अब उसकी जगह आप दो ट्रेन की जगह दो आदमी ले लो, एक ट्रेन एक कार ले लो, ठीक है, एक कार एक मूविंग मैन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, बस या दोनों चलेंगे सेम डायरेक्शन में या चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम में चलेंगे तो स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो क्यों होंगी मैंने आपको बता दिया, और जब चलेंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, वो क्यों होती है मैंने आपको समझा दिया। तो अब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, नाउ यू नो, अब इसको विजुलाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ, कि यार यार अगर ये ऐड हो रही है तो क्यों हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो क्यों ऐसा हो रहा है। यही तरीका होता है कॉन्सेप्ट को समझने का, और अब आप इस अगर समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट को, आप बहुत ही इजिली अप्लाई कर सकते हैं, फिर कोई शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझ जाओगे फॉर्मूला बना कैसे, दैट्स इट, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो ये था और ये हमको उसमें पढ़ना था कि व्हेन टू बॉडीज मूव इन द सेम डायरेक्शन देयर स्पीड इज गिवन बाय s1 माइनस s2 एंड व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन द स्पीड इज गिवन बाय s1 प्लस s2। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे से, ठीक है,
किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेटा कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करके मुझे यहाँ पे अपने डाउट्स भेज सकते हो। तो अब ये हो गया रिलेटिव स्पीड के बारे में बच्चा, ठीक है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे मूव करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसे अप्लाई और इसमें कैसे कैसे यू नो इसको कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। आप देखो बच्चों, अब इस पॉइंट को समझना, इसके बेसिस पे बुक्स में कई सारे शॉर्टकट फॉर्मूले दिए होते हैं, हमें फॉर्मूला नहीं पता, हम फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे, ठीक है। हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया रिलेटिव वेलोसिटी का, राइट, उसी के बेसिस पे सब करना हमको। तो समझो इसमें क्या दिया हुआ बेटा, इसमें दिया हुआ है व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब दो बॉडीज हैं, इट कैन बी टू ट्रेन, इट कैन बी टू मैन, इट कैन बी टू कार्स, इट कैन बी वन ट्रेन एंड वन कार, एनीथिंग बेटा। दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो बॉडीज होंगी, खत्म बात। तो और कहां चल रही है, सेम डायरेक्शन में बच्चे। तो चलो मान लेते हैं यार ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, चलो कोई नहीं थी, कहां चल रही है, सेम डायरेक्शन में। अब अगर वो चल रही है बिकॉज दे आर मूविंग, यहां पे क्या लिखा हुआ, मूविंग, तो मूविंग है तो जाहिर सी बात है उस बॉडी की स्पीड भी होगी। मान लो बॉडी, ये बॉडी नंबर ए की स्पीड है ऐसे और बॉडी नंबर बी की स्पीड है एस बी। दो बॉडीज को मान लो, दो ट्रेन है या मान लो दो कार है, कोई नहीं है, दो कार मान लेते हैं C1 एंड C2, ठीक है बच्चों। तो मैंने यहां पे दो कार्स मान ली, तो उनकी कोई स्पीड होगी SA एंड SB, नाउ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है जी, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। नाउ ही सेज टाइम टेकन बाय द फास्टर बॉडी टू क्रॉस द स्लोअर बॉडी। अब मान लो पहले की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आ, दूसरे की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आ, कोई नहीं जी, तो पहले की स्पीड ज्यादा है दूसरे की कम है, और दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो ये बात तो पक्का है कि जब दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, जो पहला पर्सन है ऐसे वो कभी ना कभी तो सेकंड पर्सन को क्रॉस कर ही जाएगा ना। क्यों क्रॉस करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड क्या ज्यादा है। अब क्योंकि वो स्पीड ज्यादा है तो यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड को क्रॉस कर जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि बताओ वो टाइम, वो सो टेल मी द टाइम इन विच द फास्टर बॉडी जिसकी स्पीड ज्यादा है जो क्रॉस कर जाएगी स्लोअर बॉडी को, ठीक है। अब देखो हमें पता है सिंपल बेसिक सा जो रिलेशन होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, होता है कि नहीं। तो फिर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ये तो क्लियर है। तो हमें बताना है टाइम, टाइम के लिए हमको चाहिए डिस्टेंस का फैक्टर और एक हमको चाहिए स्पीड वाला, ठीक है। सो टाइम जानने के लिए आपको चाहिए डिस्टेंस और आपको चाहिए स्पीड, ठीक है बच्चों। अब यहां पे ये डिस्टेंस, ठीक है, अब डिस्टेंस चाहिए स्पीड चाहिए। अब देखो बच्चों, ये कार वन है, ये कार टू है, तो कार वन ने कार टू को ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक करने पे क्यों ओवरटेक किया, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। अब क्यों, लेकिन अब वो चल रही है सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। बस एक बार याद रखना हमेशा, जब भी दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, अब ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे या तो सेम डायरेक्शन में करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सो व्हेन एवर द टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। सो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स को मूव करना ही करना उसके अंदर। तो अब क्या हुआ बच्चों कि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव मतलब वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। तो कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करनी है कि अगर सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, अगर अपोजिट में चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐड होती है। अब मुझे बताना है वो टाइम जिसमें फर्स्ट कार सेकंड को ओवरटेक कर जाएगी, यानी फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को ओवरटेक कर जाएगी। तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ओवरटेक करने के टाइम पे, बिल्कुल करेगी, क्योंकि इसको क्रॉस करना है, तो ये भी मूव करेगी, ये भी मूव करेगी, तो डिस्टेंस तो ओवरटेक करेगी ना वो,
मान लो कोई डिस्टेंस है, और स्पीड क्या होगी दोनों की, तो दोनों की स्पीड्स क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों होगी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि यहां बात आ रही है रिलेटिव स्पीड की। और मैंने आपको समझाया था अभी कि जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो स्पीड्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। और क्यों होती है ये मैंने आपको बताया था, ठीक है बच्चों। तो फिर ये टाइम कैसे निकलेगा, डी अपॉन एस वन माइनस एस टू, बन गया जी शॉर्टकट। यही होता है बुक्स में शॉर्टकट, और कुछ नहीं होता। आप कोई भी किताब खोलिए, देखिए उसके अंदर ये दिया होगा शॉर्टकट। तो आप ये समझ लो ना, बना कैसे है, अब तो कुछ करना ही नहीं आपको इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो ये चीज यहां पे दी होती है बुक्स के अंदर, ठीक है, इस फॉर्म में। सो दैट्स अ पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको पार्ट नंबर वन में भी कराया था, वहां पे मैंने इसको रेशियो कॉन्सेप्ट से समझाया था। आज हम लोग इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करने की कोशिश करेंगे, जो हमने अभी सीखा है उसी के टर्म्स में। हमने बेटा कोई अभी तक कोई खास फॉर्मूला नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, हमने बस ये समझा कि रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है। उसी के बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल टर्म में समझेंगे इसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे करना है, जितना सीखा उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है बच्चे। लेकिन मेरा अभी भी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पार्ट नंबर वन नहीं देखा तो प्लीज पहले जाके बेटा पार्ट नंबर वन देखो, तभी इस पार्ट पे आना, तो चीजें आपको और बेटर समझ में आएंगी, ठीक है, आप अच्छे तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज को। तो बच्चे अब यहां पे ये देखो कि यहां पे लिखा है, देखो अब समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। जस्ट वन सेकेंड, देखो बच्चे यहां पे कह रहा है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक थीफ को स्पॉट किया गया पुलिसमैन के थ्रू फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मान लो आप पुलिसमैन हो, आप यहां पे खड़े हो, आपने ये कोई थीफ है यहां पे, ये कितना मीटर खड़ा है, 200 मीटर। आपने इस चोर को देखा इस 200 मीटर के डिस्टेंस पे, तो आप यहां पे खड़े हो, यहां पे खड़ा है, ठीक है बच्चों। तो आपने देखा कि ये थीफ है यहां पे खड़ा है और आप यहां पे खड़े हो, तो आपने इसको स्पॉट कर लिया। जैसे ये आपको देखता है और आप इसको देखते हो, आप दोनों एक दूसरे की तरफ दोनों भागते हो, तो जाहिर सी बात है थीफ तो आपके पास भागेगा नहीं, वो तो आपसे दूर ही भागेगा। तो थीफ भी यहां भाग रहा है और आप चोर को पीछा करने के लिए उसके पीछे भाग रहे हो, क्योंकि पुलिस का काम ही क्या होता है, चोर का पीछा करना होता है। तो अब बच्चे आप चोर को तभी पकड़ पाओगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी चोर से, वरना तो आप उसे पकड़ नहीं सकते। और इन्होंने यहीं पे इन्होंने वही चीज यहां पे दी हुई है कि भाई जो थीफ है उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो पुलिस है उसकी स्पीड बेटा कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, चोर की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। आप पुलिस वाले हो तो आपकी स्पीड कितनी है, 7, चोर की है 5। क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा है तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप चोर को पकड़ लोगे, ये बात तो पक्की है। इतना समझ में आया बेटा? अच्छा अब एक चीज का ध्यान रखना, एक पॉइंट समझो यहां पे। जिस जिस समय चोर ने आपको देखा और आपने चोर को देखा, उसी समय दोनों भागे, आप भी भागे और चोर भी भागा, तो यानी दोनों एक ही टाइम पे भागे। इतना समझ में आया?
जब दोनों एक ही टाइम पे भागना शुरू किए, क्योंकि आपकी स्पीड ज्यादा थी उसकी स्पीड कम थी, लेकिन आपके बीच की जो दूरी थी वो थी 200 मीटर, ये एक्स्ट्रा दूरी थी। ठीक है बच्चे, तो बीइंग अ पुलिसमैन आपको भागना भी है और आपको ये आपके और चोर के बीच की जो एक्स्ट्रा दूरी है वो कितनी है, 200 मीटर है। अब एक और, जिस टाइम आप भागे उस टाइम चोर भी भागा था आपको देख के। अच्छा अब ये समझना, क्योंकि जब आप भागे तो एक टाइम आएगा जब आप उसको पकड़ लोगे, ठीक है। जब आप उसको पकड़ोगे तो नोटिस किया, जितना टाइम चोर भागा है उतना टाइम आप भी भागे हो, और फाइनली आपने चोर को पकड़ लिया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे भागना शुरू किए थे, और फिर आपने एक टाइम ऐसा आया जब पकड़ लिया। तो इनडायरेक्टली टाइम जो है दोनों में ही, पुलिस में है और चोर में, टाइम तो दोनों ने एक ही लिया ना, वो भी भागा है आप भी भागे हो। एक टाइम ऐसा आया जब आपने उसको पकड़ लिया, क्योंकि दोनों एक टाइम पे मूव करना शुरू किए थे। बात समझ में आया बेटा? बस आपके और इसके बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी, 200 मीटर की थी, एक्स्ट्रा जो दूरी थी पुलिस और चोर की। अब देखो, अब हम यहां पर अब देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। दो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, ये है पुलिस और ये है चोर, तो अब बेटा एक चीज समझो यहां पे सबसे पहले कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, देन दैट्स तो जो अब मान लो टाइम टेकन बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू ओवरकम द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय व्हाट, टाइम इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी हमने इससे पहले केस में देखा था, ठीक है ना बच्चे, कि जब जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे को कब ओवरटेक कर लेगा, कितने टाइम में ओवरटेक कर लेगा, टाइम क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। और इनके बीच की जो दूरी है एक्चुअली में थी कितनी, एक्सेक्ट 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 जो एक्स्ट्रा दूरी थी वो कितनी थी, 200 मीटर थी। सो डिस्टेंस जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना है पुलिस वाले को चोर को पकड़ने के लिए वो कितना है, 200 मीटर का। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये पुलिस ये चोर दोनों एक टाइम पे भागे तो ये बात तो पक्की है, बस दोनों के बीच की एक्स्ट्रा दूरी कितनी थी, 200 मीटर थी, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा है और चोर की कम है, तो एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब पुलिस चोर को पकड़ लेगा, और वो टाइम क्या होगा कि कितने टाइम में उस पुलिस वाले ने ये एक्स्ट्रा 200 मीटर कवर किए। बात समझ में आएगी नहीं, कॉमन सेंस लगाओ, ये पुलिस ये चोर ये 200 मीटर है, आप भी भाग रहे हो ये भी भाग रहे हैं, तो ये 200 मीटर धीरे धीरे करते करते कम होता जाएगा। अभी आप उससे 200 मीटर दूर हो, कुछ सेकंड बाद उससे 180 मीटर दूर हो गए, कुछ सेकंड बाद उससे 150 मीटर दूर हो गए, कुछ सेकंड बाद 100 मीटर दूर हो गए, ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब आप उसको पकड़ लोगे। इनडायरेक्टली वो टाइम क्या था, वो टाइम था जिसमें आपने ये एक्स्ट्रा 200 मीटर कवर कर लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, तो फिर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और ये डिस्टेंस क्या था, वो 200 मीटर था, और स्पीड्स क्या होंगी, दोनों की सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्यों होगी सब्ट्रैक्ट बताओ, रिलेटिव वेलोसिटी, जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं सेम डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होती है, सब्ट्रैक्ट तो होनी होनी है। यूज द लॉजिकल सेंस यार, क्लियर है बच्चे? ये है 7 किलोमीटर और ये है 5 किलोमीटर, स्पीड सब्ट्रैक्ट होंगी तो कितनी हो जाएंगी थी, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ऊपर हमको क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो नीचे भी मीटर पर सेकंड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में अच्छा सिखाया था, अच्छे से बताया था कि अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर में है और अगर आपको उसको मीटर पर सेकंड में करना था बच्चों, तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर कोई चीज आपकी मीटर पर सेकंड में है, आपको करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने सीखा था, कोई नहीं जी कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 200 मीटर,
डिवाइड बाय 7 माइनस 2 जो स्पीड्स है राइट। अब क्योंकि ये स्पीड्स हमारी दी हुई है किलोमीटर पर आवर के अंदर, मेरे को करना है इसको मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं क्या करूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और ये क्यों करते हैं मैंने आपको सिखा दिया था पार्ट वन में, तो पहले जाके पार्ट वन देखना जिन्होंने नहीं देखा। तो मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर दिया तो चलो यार कोई नहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8 को 200 हो गया, ये हो गया 5, ये 5/18 था तो ऊपर जाके हो गया 18/5, कोई ना जी 18/5 हो गया। तो 5 1 जा 5 40 जा 5 1 जा 5 8 जा, ठीक है बच्चों, तो 5 8 जा, तो अब पॉइंट ये है इसके अंदर ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये हो गया 18 8 जा 8 8 जा 64 8 1 जा 8 एंड 6 कितना हो गया 144, कितना हो गया 144। तो बच्चे इसमें अच्छा सॉरी हाँ एक हमारे से गलती होगी, वेरी सॉरी फॉर दैट, ये 7 था और यहाँ पे 5 था, ये 2 नहीं था, सॉरी यार ये 5 है, तो ये 2 हो जाएगा राइट। सो 200/2 ठीक है, ये हो गया 100, 520 18 20 कितना हो गया 360 आ गया, कितना आ गया 360। तो ये 360 क्या आया बच्चे, ये वो टाइम है जब उस पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया इतने टाइम में, और यही इतने ही टाइम चोर भी भागा होगा, समझो यही कॉन्सेप्ट है। ये वो टाइम है जिसमें पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया 360 सेकंड के अंदर, और ये उतना ही टाइम है जिसमें चोर भी भागा था, क्योंकि दोनों की भागने का दोनों ने उतने ही टाइम में चोर भी तो भागा है ना। अब मुझे बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर थीफ हु इज रनिंग एट 5 किलोमीटर वुड हैव कवर्ड बिफोर बीइंग कॉट बाय अ पुलिसमैन, यानी चोर पकड़े जाने से पहले कितना भागा, यानी मुझे बताना है चोर का डिस्टेंस। और डिस्टेंस बताने के लिए मुझे पता है बेचा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना बच्चों, तो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम होता है, यही होता है ना बच्चों, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। अब मुझे बताना डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए मेरे को टाइम पता होना चाहिए और स्पीड पता होनी चाहिए, टाइम मेरा आ चुका है कितना आ चुका है 360 सेकेंड्स, क्योंकि क्यों, क्योंकि यही टाइम चोर के लिए भी तो होगा ना, क्योंकि जितना टाइम पुलिस वाले ने भागा था चोर को पकड़ने के लिए उतना टाइम चोर भी तो भागा था पुलिस वाले से। और स्पीड क्या हो गया बच्चों, चोर की स्पीड कितनी दी हुई है 5 किलोमीटर दी हुई है। अब क्योंकि ये सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा आंसर किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, इसलिए करना पड़ेगा बेटा। तो आपको पता है अगर कोई चीज किलोमीटर पर आवर के अंदर है और आपको मीटर पर सेकंड में करनी है, तो आप क्या करेंगे 5/18 से बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस काट लो उसको, 18 1 जा 18 2 जा, आ गया आंसर 100, कितना आ गया 500 आ गया, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या आ गया 500 मीटर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, बहुत ही लॉजिकल है, पता है आप इसको मेंटली कर सकते थे, सॉल्व ही नहीं करना होता ऐसे क्वेश्चंस को, सोचो। जस्ट वन सेकेंड बेटा, पता है मैं एक क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियोस हैं, इसमें ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर ये तो क्या है, ये क्या आएगा एग्जाम में, यू नो आप फॉरवर्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराओ, उनकी सीरीज आएंगी बच्चे अलग से, उसकी चिंता मत करना, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा उसको विजुलाइज करोगे ना ट्रस्ट मी बाकी क्वेश्चंस तो यू कर जाओगे सेकंड्स के अंदर, फिर आपको करने में देर लगेगी, फिर वो एग्जाम जैसा मर्जी बनाए क्वेश्चंस को सारे ट्विस्ट कर दे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, क्यों आपने कॉन्सेप्ट पे कमांड कर ली। अब देख बच्चे ठीक है, तो मेरा मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि भाई एक की स्पीड 7 है और एक की स्पीड है 5, तो स्पीड तो सब्ट्रैक्ट होगी सेम डायरेक्शन में है, तो सब्ट्रैक्ट की बात क्या हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब इसको अगर मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए क्या होता है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं।
अच्छा मान लो ठीक है, वन सेकेंड यार। हाँ तो अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो बताया था आपको ये पॉइंट सारा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी एक काम करो, पहले फिलहाल अभी जितना मैंने आपको बताया उसको वैसे विजुलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, या चलो सपोज करो फॉरगेट दिस, अभी मैं इसी क्वेश्चन अभी इसी तरीके से मान लो कुछ और स्पीड होती, कुछ भी दूसरी स्पीड होती सपोज करो। ठीक है, अब लाइट सपोज करो, अगर मैं स्पीड को सब्ट्रैक्ट करता तो मैं एक की स्पीड यहाँ पे 7 दी है और एक की दी है 5, राइट। तो ये तो पक्का है कि वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 2 होगी, और इंटू 5/18 करूंगा, 2 1 2 9 सा, ये कितना हो जाएगा, 5/9 हो जाएगा। ये 5/9 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड आ गया, अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा। और दूरी है कितनी, 200 मीटर की है, और 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है, 5/9 मीटर चल रहा है। ये तो पॉइंट हुआ ना। तो यूनिटरी मेथड, अगर 1 सेकेंड में इतना मीटर चल रहा है तो 200 मीटर के चलने में कितना टाइम लेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट आउट है। मेरा बस ये आपको बस बताने का मकसद ये था कि भाई आप पहले कॉन्सेप्ट पे कमांड करो। ठीक है, और इसके अलावा कोई डिफिकल्टी आती है प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। और मैंने इसी तरीके के क्वेश्चन को आपको इससे पहले रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाया था, आई हैव एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ रेशियो इन द प्रीवियस वीडियो, काइंडली प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट नंबर 1। ठीक है, चलो अभी इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं इसमें और अभी फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं चाहूँ बिकॉज आई कैन से यू इन द बोथ सो मेनी वेज, या मैं आपको बहुत तरीके से और तरीके से बता सकता हूँ इसको, लेकिन फिलहाल क्योंकि हम रिलेटिव वेलोसिटी कर रहे हैं इसलिए मैं फर्दर पर रुक गया, क्योंकि वो एक अलग चीज पर, हम अलग ट्रैक पे चले जाते। तो फिलहाल हम इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हर चीज को रखते हैं, क्योंकि दिस पार्ट इज अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। तो अब नेक्स्ट में आते हैं बच्चे, ये थी फॉल आ गया, तो देखिए वो आंसर जो था यहाँ पे, ठीक है, 500 मीटर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर देन द टाइम टेकन बाय देम टू मीट। तो चलो यार अब देखते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट के बारे में, कि भाई पहले पहले हमने क्या किया था, सेम डायरेक्शन में था तो बोला कि भैया टाइम बताओ जब पहली बॉडी दूसरे को ओवरटेक करेगी, तो वो टाइम क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन S1 - S2 आया था, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। अब वो यही पूछ रहा है कि भैया टाइम बताओ जब दोनों बॉडीज एक दूसरे को मीट करेंगी, कब टाइम बताना है, जब दो बॉडीज आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, टूवर्ड्स ईच अदर। नाउ दिस इज द केस ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहली बॉडी की कुछ स्पीड होगी S1, दूसरे की स्पीड होगी S2। हमें बताना है पहली बॉडी दूसरे से कब मीट करेगी, ओवरटेक या दूसरे को कब क्रॉस करेगी, फर्स्ट बॉडी। ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगी या मीट करेंगी। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो जब दोनों बॉडीज ट्रैवल करेंगी तो कुछ डिस्टेंस भी ट्रैवल होगा, सही बात है। अब स्पीड की जब यहां तक बात आएगी तो स्पीड क्या होगा बच्चों, स्पीड होगा क्योंकि दोनों आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड्स क्या होंगी, हमेशा ऐड हो जाएंगी। क्यों, मैंने आपको समझाया था रिलेटिव वेलोसिटी में दो ट्रेन्स का एग्जांपल देके, जब दोनों आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड्स क्या रहेंगी, आ जाती है, राइट। और आप तो मैंने आपको बहुत प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो ठीक है उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या हो जाएंगी, एड हो जाएंगी। तो ये बन गया आपका जी शॉर्टकट, तो D/S1 + S2। ठीक है, तो पहले वाले में पॉइंट क्या था, कि जब चल रही है दोनों सेम डायरेक्शन में तो फर्स्ट बॉडी सेकेंड को ओवरटेक कब करेगी, दैट इज D/S1 - S2। लेकिन जब दोनों जो आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों बॉडीज कब मीट करेंगी, D/S1 + S2 के टाइम में मीट करेंगी। और ये आपको लर्न नहीं करना फॉर्मूला, समझना है हुआ क्या था, सिंपल सी बात है। टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी क्यों आया, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, और कैसे मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या रहेंगी, ऐड हो जाएंगी। सो दैट इज दिस इज द पॉइंट हियर, ये रहा। ठीक है, सो ये हियर दिस इज द बेसिक पॉइंट अबाउट दिस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपको फॉर्मूला है, समझ में आया होगा। अब हमारे हमारे लिए अब ये फॉर्मूला नहीं रह गया, हमारे लिए हमने समझ लिया कि फॉर्मूला बना कैसे है,
अब हमें इसे कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ये चीज दी हुई है तो इसे कैसे निकालना है। आई शो यू द क्वेश्चंस नाउ, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखिए, तो ये दिया हुआ है जी, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस आर एंड एस इज 42 किलोमीटर। चलो यार, दो प्लेस है, प्लेस नंबर ए, प्लेस नंबर बी, ठीक है? सॉरी, यहां पे प्लेस दिया हुआ है आर और ये दिया हुआ है एस, कोई नहीं, ठीक है? दिस इज आर, दिस इज एस, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर। यहां पे मोहित खड़ा है, यहां पे रोहित खड़ा है। मोहित स्टार्ट्स फ्रॉम आर विद द स्पीड ऑफ, मोहित की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। रोहन की स्पीड कितनी है जी? रोहन की कुछ ना कुछ स्पीड है, ये नहीं पता कितनी है। उन्होंने बोला कि दे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स, ये दोनों एक दूसरे को 6 घंटे के बाद मिलते हैं, तो यानी ये तो पक्का है कि मोहित भी 6 घंटे मूव किया है और रोहित भी 6 घंटे मूव किया, दोनों ने एक ही टाइम पे मूव किया है। क्यों? मोहित स्टार्ट फ्रॉम आर एट अ स्पीड ऑफ इतना एंड एट द सेम टाइम रोहित ऑल्सो स्टार्ट, तो इसका मतलब 6 घंटे ये भी मूव किया, 6 घंटे ये भी मूव किया, ये बात तो क्लियर हो चुका। इन्होंने बोला कि भाई रोहित की स्पीड बताओ, कोई नहीं तो बता देंगे। इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हैं मैं आपको बता नहीं सकता, जो हमने पार्ट वन किया था रेशियो, उसकी हेल्प से विद इन सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। अभी हमने किया रिलेटिव वेलोसिटी, चलो यार रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल लेते हैं। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या बोलती है? कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दोनों आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उन दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। ये मोटी मोटी बात है, दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड। एंड वी हैव टू, वी नो दिस, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन देन द टाइम, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। इन्होंने बोला है कि वो जो मीटिंग टाइम है, दे मे मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर, तो यानी 6 घंटे के बाद वो मिलते हैं, और हमें पता है कि टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज टू मीट ईच अदर, टाइम के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। अब क्योंकि यहां पे दो स्पीड्स है, क्योंकि दो बॉडीज है और वो आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों की स्पीड क्या होगी? एड होगी, क्योंकि हमें पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा होता है, ठीक है बच्चों? टाइम आपको दिया हुआ है 6 आवर्स, डिस्टेंस क्या है? दोनों ने मिलके चलना है 42 किलोमीटर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 42 किलोमीटर है। ये यहां से मूव कर रहा है, यहां से मूव कर रहा है, एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों मिलेंगे बीच में कहीं पे, तो मिला के दोनों ने चला तो 42 किलोमीटर ही ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दोनों ने मिलकर? 42 किलोमीटर। इसमें एक की स्पीड दी हुई है, दूसरे की नहीं दी हुई। पहले की स्पीड कितनी दी हुई है? 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और सेकंड की स्पीड आपको निकालनी है रोहित की, तो स्पीड ऑफ रोहित आपको निकालनी है, बस कुछ नहीं करना, सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा बच्चों, ठीक है? सो दैट्स अ पॉइंट आउट हियर। सो यहां पे ले जाते हैं 4 + SR, सॉल्व करते हैं इसको, 42/6, ये यहां चला गया, यहां पे आ गया 6 7 जा, तो स्पीड ऑफ रोहित इज व्हाट? 7 - 4 कितना हो गया? 3 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी होगी जी? 3 किलोमीटर पर आवर होगी, ठीक है जी? ये रहा आंसर। अब मैं आपको इसको एक और तरीके से करके दिखा देता हूं यूजिंग द वेरी लॉजिकल सेंस, ठीक है बच्चे? ये मोहित है, ये रोहित है, करने के बहुत तरीके हैं। आप देखो, इतना तो मालूम है कि दोनों एक टाइम चले, कितना टाइम है? 6 घंटे, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे चले हैं,
ये भी चला है और ये भी चला है, ये ऐसे चला है और ये ऐसे मूव किया, दोनों आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों ने 6 घंटा मूव किया। आपको पता है किसी की भी अगर आपको स्पीड बतानी है तो उसके लिए आपको उसका डिस्टेंस चाहिए, उसका टाइम चाहिए। तो यहां पे बतानी है रोहित की स्पीड, तो उसके लिए रोहित ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और रोहित ने कितना टाइम लिया, ये बताना है। क्लियर है? अब रोहित ने कितना टाइम लिया ये तो मुझे पता ही है 6 आवर्स है, क्योंकि दोनों ही 6 आवर्स चले हैं तो रोहित भी 6 आवर्स चला होगा। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये नहीं पता, क्यों नहीं पता? क्योंकि रोहित की स्पीड नहीं दी हुई। कोई नहीं यार, निकाल लेंगे, इसमें मुझे बड़ी बात है, कुछ नहीं करना। अगर रोहित की नहीं दी हुई तो मोहित की तो स्पीड दी हुई है। मोहित की स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मोहित भी 6 घंटे चला होगा ना जितना रोहित चला है। तो अगर मोहित की स्पीड 4 किलोमीटर पर आ रहा है तो मतलब 1 घंटे में मोहित कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो अगर 1 घंटे में मोहित चलता है 4 किलोमीटर तो 6 घंटे में कितना चलेगा? 24 किलोमीटर। कोई पॉइंट? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी बच्चों। तो यानी ये तो पक्का है कि मोहित 6 घंटे में 24 किलोमीटर चल चुका था। टोटल था कितना? 42 किलोमीटर। मोहित ने 24 ट्रैवल कर लिया ऑलरेडी, तो अब बचा कितना? 18 किलोमीटर। तो यानी ये तो पक्का है कि ये वो पॉइंट होगा बीच में, 24 किलोमीटर के बाद मोहित यहां पहुंच गया था, तो इतने में रोहित ने सिर्फ 18 किलोमीटर ही ट्रैवल किए होंगे, क्योंकि बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। तो आ गया रोहित का डिस्टेंस, अब रोहित का डिस्टेंस भी आ गया, तो स्पीड ऑफ रोहित क्या है? डिस्टेंस ऑफ रोहित वो कितना है? 18। रोहित ने कितना टाइम लिया था? 6 किलोमीटर, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, क्योंकि जितना टाइम मोहित मूव किया उतना ही टाइम रोहित भी मूव किया। तो बस सॉल्व किया, कितना आ गया? 3 किलोमीटर पर आर। दैट्स इट, सिंपल। एंड देयर आर सो मेनी अदर वेज। अभी हमने क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी किया तो हम उसी को यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये हमारा एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है, इसका यूज इतना ज्यादा है। आप देखना अभी कितने हमारे क्वेश्चन सीरीज आने वाली है, और जितने भी और वो क्वेश्चन है जो सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप उन सारे क्वेश्चन को बहुत जल्दी विद इन गिवन टाइम के अंदर कर सकते हैं। उसी वही एग्जाम होता है, क्योंकि एग्जाम का थोड़ा इश्यू क्या है कि टाइम मैनेजमेंट, मुझे कितनी कम टाइम में इन सारे क्वेश्चंस को करना होता है। वो चीज को आप तभी आपकी वो स्पीड मेंटेन हो पाएगी, स्पीड तभी मेंटेन हो सकती है जब आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे पकड़ो। ठीक है बच्चा, तो दैट इज द मेन थिंग आउट हियर। और कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझे उन डाउट्स को भेज सकते हो बच्चों। तो ये था एक्सप्लेनेशन के बारे में। हियर देखो, इसकी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आर, आप चेक कर सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से एक बार छोटा सा, फिर से और एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं देखो ये चाहूंगा हेयर्स के बारे में, यहाँ पे बिल्कुल सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सेम थिंग, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सिटीज का, और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट इतना एम टूवर्ड्स बी एट इतना स्पीड, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी एट इतना एम ट्रेवल टूवर्ड्स विद इतना स्पीड, एट व्हाट टाइम डू दे मीट। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज देखो, यहां पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 330 किलोमीटर। पहले की स्पीड कितनी है बच्चे? 60 किलोमीटर। दूसरे की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आर। इसने बोला है कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट। कोई नहीं यार, देख लेते हैं एट व्हाट टाइम डू दे मीट। इसमें बस एक लॉजिक समझना, बस याद रखना रिलेटिव वेलोसिटी। अब क्योंकि मैं ये चैप्टर है रिलेटिव वेलोसिटी का,
ये वीडियो पूरा डेडिकेटेड किसके लिए, रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूं रिलेटिव वेलोसिटी की का हेल्प से, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है डेफिनेटली हो सकता है उनमें से कई ऐसी टेक्निक्स हो जिसमें यही क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसमें 20 सेकंड लेना तो हो सकता है वहां 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बिकॉज मेरा पॉइंट क्या है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कराऊं ताकि आप एक ही क्वेश्चन को कई सारे कॉन्सेप्ट से कर पाए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कहाँ कम टाइम लग रहा है, कहाँ ज्यादा लग रहा है, कैसे मैं चीजों को विजुलाइज कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो चलो कोई नहीं, इसको करते हैं फटाफट से। ठीक है अभी हाँ, लेकिन हम लोग करेंगे इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही। ठीक है इसको मैं एक बार फिर से बना यहां पे हल्का सा सही कर लेता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो बच्चे बीच की दूरी कितनी है, 330 ए है, ये बी है। एक ट्रेन यहां से चलती है 8 बजे, ये चलती है 9 बजे, यानी ये ट्रेन चल रही है 1 घंटे के बाद, और इसकी स्पीड कितनी है, 75। इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ये ट्रेन चल पाती है 60 किलोमीटर। पहली वाली जो बी से चल रही है ए की तरफ, उसकी स्पीड है 75, यानी 1 घंटे में वो ट्रेन चल पाती है 75 किलोमीटर पर आवर। पहली वाली ट्रेन ने 8 बजे मूव किया, दूसरी वाली ट्रेन उसके 1 घंटे के बाद 9 बजे मूव करती है। रिलेटिव वेलोसिटी में तभी अप्लाई करूंगा जब दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब सिंगल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो रिलेटिव वेलोसिटी को मैं अप्लाई नहीं करूंगा। इस बात को अच्छे से समझ लो, पहले 1 घंटे 8 से 9 बजे सिर्फ और सिर्फ पहला ऑब्जेक्ट जो ए से बी जा रहा था, ट्रेन नंबर 1, वही मूव कर रही थी, सेकेंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा था। तो पहले 1 घंटे मुझे बिना रिलेटिव वेलोसिटी के चलना पड़ेगा, कोई नहीं चल लेते। ए और बी बी के बीच की दूरी कितनी है, 330 किलोमीटर, क्योंकि पहले 1 घंटा 8 से 9 बजे खाली ए मूव कर रहा था और ए की स्पीड है 60 किलोमीटर 1 घंटे पर आवर, यानी 1 घंटे में ए जो है वो चलेगा 60 किलोमीटर क्योंकि इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर। तो पहले 1 घंटे में ए ने कितना ट्रेवल किया होगा, 60 किलोमीटर, ये बात तो पक्की हो चुकी क्योंकि इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब 330 में से ये जो पहले 60 किलोमीटर थे यहां से ए से बी की तरफ, ये तो ए ने खुद ही ट्रेवल कर लिए, इसमें तो बी ने ट्रेवल ही नहीं किया। तो फिर अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बचा 330 माइनस 60, तो कितना बचा, 270 किलोमीटर। अब 9 बज गए क्योंकि 8 बजे चली ए, 9 बजे तक ए यहां पहुंच गई इस पॉइंट पे। ठीक है अब सिनेरियो क्या बन गया, ये बन गया ए और ये बी, बीच की दूरी कितनी होगी, 270 किलोमीटर। अब टाइम हो चुका है 9, क्लियर है, क्योंकि 9 बज गए। अब तो अब दूरी कितनी रह गई है, 270 रह गया है। तो अब ए से बी भी मूव करेगी ट्रेन और बी से भी मूव करेगी ट्रेन, क्लियर है, क्योंकि वहां से भी ट्रेन चलना शुरू हो रही है। अब क्योंकि दो ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू कर रहे हैं, अब बात आ जाएगी किसकी, रिलेटिव वेलोसिटी। चलो यार निकाल लेते हैं। अब इसने बोला कि एट व्हाट टाइम डू दे मीट, हमें पता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना टाइम में मिलते हैं। टाइम के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए और स्पीड चाहिए। स्पीड में दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, अभी हमने सीखा थोड़ी देर पहले, क्योंकि दोनों आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, कोई नहीं यार। और डिस्टेंस क्या है जो दोनों को मिलकर ट्रेवल करना है, वो है 270, करेक्ट है। स्पीड्स क्या है दोनों की, एक की है 60 और एक की है 75, क्योंकि ऊपर वाला भी किलोमीटर में है, नीचे वाला भी किलोमीटर पर आवर के अंदर है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर।
क्योंकि अगर ऊपर वाला किलोमीटर में है, नीचे मीटर पर सेकंड में है, तो मुझे देखना है कि मेरे ऑप्शन में जो आंसर है वो किस में है। अगर वो मीटर पर सेकंड में है तो फिर मैं इसको पूरा मीटर पर सेकंड में करता, अगर वो किलोमीटर पर आवर के अंदर है तो मैं किलोमीटर पर आवर के अंदर कर लेता। ठीक है जी, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 270/135, सॉल्व किया कितना आ गया 2 आवर्स, क्योंकि टाइम निकाला था। लेकिन वो 2 आवर्स कब आए, 9 बजे, 8 से 9 तो ए ने खुद ही ट्रेवल किया, फिर 9 बजे से दोनों ने ट्रेवल किया, ए ने भी ट्रेवल किया और बी ने भी ट्रेवल किया, और 2 घंटे के बाद ये दोनों मिल पड़ते हैं, यानी ठीक 11 बजे, 11 AM दोनों की मुलाकात होती है, दोनों ट्रेन की। और हमें कब बता, हमें क्या बताना है, एट वट टाइम डू दे मीट, तो कितने बजे मिलेंगे, 11 AM, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लगा होगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज हमने सीखा थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, और एक छोटा सा मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट ये है, तो 11 AM इसका आंसर था। ठीक है, हाँ, बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि अगर प्लीज बी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड थोड़ा वर्थ लगा आपके लिए, कि आपको लगा कि हाँ इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल मिला है, कुछ आपके लिए बेनिफिट हुआ है, तो मेरा आप आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर बच्चे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी चीज, आप मुझे ये बताइएगा अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगी हो, या मान लो अगर आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आप कोई नहीं, आप डिसलाइक करो, मुझे कोई इशू नहीं, अच्छा, लेकिन आप मुझे रीजन जरूर बताओ कि बेटा आपको ये अच्छा क्यों नहीं लगा। तो अगर वाकई में कोई जेन्युइन रीजन होगा तो हम उसको जरूर इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम से हम उसके बहुत और बेटर तरीके से इस वीडियो को लेके आ पाए। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है, ठीक है, हो सकता है कुछ एडिटिंग में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्टेंट देने के लिए हमने कोई कम नहीं की यार। ठीक है, इसको यार, इस वीडियो को ये मैं समझना कि सर ये क्या आपने बताया, ये थोड़ा अभी एग्जाम में तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, ये वीडियो सिर्फ कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड वीडियोस है। इन सब वीडियोस का मकसद क्या है, आपके पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाओ, उसके बाद हमारी क्वेश्चन सीरीज आएंगी, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्यों मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसमें आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स पहले कॉन्सेप्ट सीखे, फिर वो जो क्वेश्चन सीरीज आएगी विद इन सेकेंड में सबके आंसर निकाले फटाफट से, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट की अच्छी पकड़ हो चुकी होगी तब तक। ये रीजन है हम पहले सारे इन कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस को लेके आ रहे हैं। ठीक है बच्चे, एंड प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर करना यार, जितना हो सकता है शेयर करो वीडियो को, ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और हाँ, अगर आप इस तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं, हमारे क्रैश कोर्स को पूरा प्रॉपरली फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज सबसे पहले एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद बेटा एक बटन आता है ऑल का, उस पर जरूर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। उसमें होगा क्या कि आपको कुछ वीडियोस के नोटिफिकेशन आ पाएंगे, कुछ के नहीं आ पाएंगे, उसमें ऑल का ऑल वाले ऑप्शन में जरूर क्लिक करना। ठीक है बच्चे, और दूसरी चीज, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस के लिंक वहां पे आ जाते हैं, उसके अलावा कोई डाउट हो आप वहां पे भी हम उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हियर, तो बस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक्स के आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ अगर आपको लगता है कि हाँ सर इन सब चीजों पर वीडियोस और भी लेके आओ, अगर आपको लगता है कि अब तो प्लीज मुझे मुझे बताना जरूर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर आपसे, और प्लीज खूब मेहनत करो यार। ठीक है, पूरी कोशिश करो कि इस बार आपकी जॉब जरूर लगे, जो आपने ड्रीम देखा है एक अच्छी जॉब पाने का, वो जरूर पूरा हो, मेरे आपके लिए विश है। सो प्लीज कीप वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।